हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। और सबसे पहले तो सॉरी कि बहुत दिनों के बाद वीडियो आएगी। सो और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे गोविंद सागर लेक का व्यू, कि वो कितना प्यारा व्यू है और कितना प्यारा वो दिखती है बिलासपुर से। और साथ ही साथ आपको बताएंगे हम सिंथेटिक ट्रैक जो कि हाल ही में कुछ टाइम पहले वहाँ पर बना था, और साथ ही साथ बताएँगे आपको वहाँ का क्रिकेट ग्राउंड। तो चलते हैं अब, और सबसे पहले मैं अपने दोस्त को पिक करूंगा, अक्षत को, थोड़ा आगे से। और एक दोस्त हमारे साथ जाएगा अपनी स्कूटी पे घुमारमी से, आशुतोष भाई। और तो चलते हैं अब, एंजॉय करो इस वीडियो को। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और साथ साथ सब्सक्राइब भी करना। तो लेट्स गो। और फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं घुमारवी में, और हमें हमारे भाई आशुतोष ने ज्वाइन कर लिया है। वो निकल रहा है अपनी स्कूटी पे, वो देख सकते हो आगे स्कूटी जा रही है, उस पर वो है। और अभी हम बढ़ रहे हैं बिलासपुर की तरफ, तो बने रहो वीडियो में और एंजॉय करो। और दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं बिलासपुर में, और मेरे सामने है बिलासपुर का सिंथेटिक ट्रैक, और दूसरी तरफ है यहाँ का क्रिकेट ग्राउंड। और फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं बिलासपुर में। मेरे पीछे है यहाँ का क्रिकेट ग्राउंड, ये देख सकते हो आप, क्रिकेट एकेडमी बिलासपुर का ग्राउंड। बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है, और यहाँ पे सिंथेटिक ग्राउंड जो कि अभी बंद है, इसके अंदर हम नहीं जा सकते। और यहाँ पे है गोविंद सागर, ये देख सकते हो, यह है गोविंद सागर लेक। अभी हम उसके पास जाएँगे, वहाँ से ब्लॉग करेंगे। और मेरे लोग देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम ब्लॉगिंग करेंगे तो करेंगे। ऐसा कुछ व्यू है, अभी बोटिंग करने का सोच रहे हैं, बोटिंग भी करेंगे। पहुंच चुके हैं गोविंद सागर के पास, वहां से आए हम, वहां से घूम 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 के यहां पे पहुंचे हैं। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है गोविंद सागर। और अंशुमन क्या हुआ, अंशुमन भाई क्या हुआ? भाई मेरे बाल नहीं। आशुतोष भाई, आशुतोष क्या हुआ? ओ ये क्या है, ये क्या है, विक्ट्री होगी? मत दिखा भाई, मुझे मत दिखा, बाल नहीं है भाई। ए N19 N19। और ये रही बाइक हमारी,
और स्कूटी वो और ये देख सकते हो व्यू। और फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं बोटिंग करने, मतलब एक राउंड लगाएंगे इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। हम बैठेंगे इस बोट पे जिस बोट पे लोग बैठे हुए हैं, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, मतलब अपने विलेज जा रहे हैं बाय बोट। और दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं दूसरे छोर पे, मतलब जहाँ से ये लोग पैदल चले जाएंगे अपने विलेज। और ये देखिए चांदपुर ब्रिज कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से। और अभी हम वहाँ से आ रहे हैं और पहुँच गए हैं दूसरे छोर पे, और यहाँ पे जो बोट में बैठे थे लोग वो उतर चुके हैं और हम वापस जाएंगे। और आने जाने का जो किराया है वो 20 रुपये है, तो अगर बिलासपुर आ रहे हो तो बोटिंग करके ज़रूर जाना। और अगर आपने स्पेशल बोट करनी हो तो उसका अलग अलग किराया होता है, जैसे मतलब टाइम के हिसाब से 200 रुपये से नॉर्मली स्टार्ट होती है, 300 तक 400 तक। और फ्रेंड्स हम आ चुके हैं बोटिंग करके, ये देख सकते हो मेरे पीछे से हैं बोटें। और फ्रेंड्स हम आ चुके हैं बोटिंग करके, सिर्फ 20-20 रुपए लगे पर हेड आने जाने के। और अभी देखते हैं कुछ करते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे आंसू भाई हमारे बर्गर खा रहे हैं। बेस्ती क्या बर्गर खा रहे हैं तो क्या बाकी हूँ भाई डालूंगा। हाँ भाई 3 बर्गर और भाई बर्गर बनाते हुए। ये भाई आपको डेली यहाँ पे मिलेंगे गोविंद सागर के पास। और इसका बुरा हाल है, ये सिर्फ ये वही देखता रहता है, मैच ही देख रहा है उससे जब से आया है। और गाइस बर्गर आ चुका है, ये देख सकते हो। अब खाते हैं बर्गर और एंजॉय करते हैं व्यू। और दोस्तों यहाँ पे चला है फोटोशूट, ये देख सकते हो आशुतोष जी फोटोशूट करवा रहे हैं, और कैमरामैन अक्षत उर्फ मक्खी। और बहुत बढ़िया व्यू है और बहुत मज़ा आ रहा है। अभी देखते हैं खाने जाएंगे कहीं कुछ और, पहले हमने बर्गर तो खा लिया है, अब दोबारा कुछ खाएंगे, भूख लग रही है क्योंकि। और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं मतलब घूमने के लिए, लोग दूर दूर से आते हैं लेक को देखने के लिए। और ऐसा कुछ व्यू था, अब निकल रहे हैं यहाँ से तो अलविदा गोविंद सागर, मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद। और हेलो गाइस
क्या कर रहे हो तू? भाई मैं चार बार इसे रोक दी है, कुछ कर दिया। और गुवार में अभी हम जा रहे हैं गुवार में। अगर आपको गोविंद सागर लेक का वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना। तो ये देख सकते हो बहुत सारे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ऊपर है बंदला की धारियाँ जो कि बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और बंदला वाला ब्लॉग अगर किसी ने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा। और बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स देखने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @sjcam। फ्रेंड्स अभी हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ क्योंकि सभी प्लान हो गए हैं कैंसिल। और अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को प्रेस भी करना। और अभी हम बिलासपुर से निकल रहे हैं, बस आप मोटो ब्लॉग देखिए थोड़ा बहुत और हम पहुँच जाएँगे घर। मिलते हैं अब अगले किसी बढ़िया से ब्लॉग में, तब तक के लिए रब रख। देखो आने जाने वाले सारे साथ।